Hello friends, how are you? This is Bluraj Bright Education. So first of all, let me discuss yesterday what happened. The Kejriwal government won the election. ये जो election जीता है, इसके बारे में discuss करेंगे. तो उसे discuss करने से पहले मैं आपको एक video दिखाना चाहता हूँ. आप पहले video देखें. बफलर भी आ गया है, आज खांसी भी आ गई है. बफलर साहब वापस अपने पुराने अवतार में. दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने. आई लव यू. मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया. ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है. जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया, ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है. ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है. ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो। सो मेरा एक ही बात कुछ नहीं है कि अगर फ्री के नाम पे वोट, फ्री के लिए वोट देते हो आप, तो देश का क्या हाल होने वाला है। सो मेरा बोलने का मतलब है कि GDP कहाँ जाएगी, तो इसके बारे में भी एक बार सोचें, क्योंकि अगर ऐसे ही जो है फ्री ही देना है तो देश के बारे में कैसे, हाउ विल बी ग्रोइंग GDP, हाउ द GDP विल बी ग्रोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स कि GDP कैसे ग्रो करेगी। तो GDP को ग्रो करने के लिए ये जो फ्री की सब्सिडीज़ हैं, ये जो है गवर्नमेंट अपने आप को लॉस करवा के जो है आधे ही पहले से ही GDP नीचे है, अगर और भी नीचे चली जाएगी तो वर्ल्ड में कंपटीशन, वर्ल्ड के कंपटीशन में हमारी GDP कुछ नहीं रह जाएगी। सो इसके बारे में भी सोचना है वोट करते समय। तो रिसेंटली व्हाट हैपन, द पोलिटिकल पार्टीज हैव जस्टिफाइड द फील्डिंग टेंटर कैंडिडेट्स फॉर SC सुप्रीम कोर्ट। द पोलिटिकल कैंडिडेट क्राइम रिकॉर्ड हैज बीन जस्टिस। तो रिसेंटली क्या हुआ, इसके बेस पे अभी ओथ हैज बीन टेकन प्लेस, ओथ लेनी है अभी हमने, इसने इन्होंने आपने, तो आपने देखा कि कैसे द फैमिली वाज हैप्पी, एवरीबडी वाज हैप्पी। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर ऐसे ही अगर आपको वोट देने हैं तो देश का क्या होगा, देश के बारे में भी सोचो। तो दिस वॉज द वीडियो विच वॉज बेस्ड अपॉन कि केजरीवाल की वो जो वोट हैं, वोट बैंक था वो काम पे बेस्ड था, तो काम जब फ्री पे बेस्ड था, लोगों को फ्री सब्सिडी दी इसलिए वोट आया। तो अगर ऐसा ही कर देंगे तो देश का क्या होगा, लोग मेहनत करना कम कर देंगे, फ्री सब कुछ मिल रहा है, आराम से सोए रहेंगे, मेहनत कम हो जाएगी, जो एक आम आदमी का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। सो फॉर फ्री इट विल बी वेरी बैड। तो अगर ऐसे ही जो फ्री में ही देना है तो पूरे देश में CM ऐसा कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, उनको GDP को भी देखना है, देश को भी देना। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर एनी ओपिनियन यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स। एट द लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।